गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित फ्रॉम अप्लाई साइड डिपार्टमेंट वर्किंग इन आरपीआईटी कॉलेज कैंपस कन्नौर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने न्यूमेरिकल डिस्कस कर दिया पी टेस्ट एंड कंपेरिजन टेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे डी लंबर्ट रेशो टेस्ट, या डी रेशो टेस्ट भी बोल देते हैं, डी लंबर्ट टेस्ट भी बोल देते हैं। तो डी लंबर्ट टेस्ट क्या है? अगर मेरे पास कोई सीरीज है, क्या है? अगर मेरे पास कोई सीरीज है ए एन और एन इजिकल टू वन से इन्फिनिटी सीरीज है पॉजिटिव टर्म की, सच दैट अगर मैं लिमिट लगाता हूँ एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन इजिकल टू वन, देन लिमिट लगाने के बाद दिस इजिकल टू एल आर, दिस इजिकल टू एल आर, और एल की वैल्यू अगर मेरे पास ग्रेटर देन वन है देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर एल की वैल्यू लेस देन है वन से तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर एल की वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी आ रहा तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर एल की वैल्यू वन आ रहा तो इसमें हम बोलेंगे दिस टेस्ट इज फेल। तो ठीक है, डी लंबर्ट टेस्ट मेरे पास क्या कहता है? अगर मेरे पास कोई एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म की सच दैट लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस वन दिस इज इक्वल टू एल, और एल की वैल्यू अगर मेरे पास ग्रेटर देन और इन्फिनिटी आया तो उसके बोलेंगे हम कन्वर्जेंट से। अगर मेरे पास एल की वैल्यू लेस देन वन है तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट। अगर एल की वैल्यू मेरे पास वन आ रही तो उसको बोलेंगे हम जो डी लंबर्ट रेशो टेस्ट है वो मेरे पास क्या होगा, फेल होगा। उसके लिए हम अलग से फिर दोबारा सोल्व करेंगे अदर टेस्ट के हेल्प से। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। मेरे पास टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, हमने टेस्ट चेक करना है, लगाना है। तो एक सीरीज मेरे पास गिवन है वन फैक्टोरियल बाय फाइव प्लस टू फैक्टोरियल बाय फाइव का स्क्वायर प्लस थ्री फैक्टोरियल बाय फाइव की क्यूब प्लस फोर फैक्टोरियल बाय फाइव की फोर। तो वही है स्क्वायर से लेट मैंने मान लिया एन एन इजिकल टू वन से इन्फिनिटी ए एन, और ए एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है यहाँ पर, तो समीशन ये है दिस वैल्यू इज द इक्वल टू दिस। तो ए एन की वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ रही है एन फैक्टोरियल बाय जो मैं एन फैक्टोरियल बाय फाइव की पावर है, इसमें मेरे पास क्या है एन ए एन प्लस वन निकालेंगे तो ए एन प्लस वन मेरे पास क्या आएगा, ऊपर प्लस वन हो जाएगा नीचे भी प्लस वन हो गया। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा आपस में तो ए एन बाई ए एन प्लस वन, तो मेरे पास क्या आएगा ए एन फैक्टोरियल बाई फाइव की पावर एन इंटू फाइव प्लस की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू, जब मैं इसको सोल्व करूँगा ना तो इसको सोल्व करेंगे बाद मेरे पास क्या आएगा फाइव बाई एन प्लस वन, तो दिस इज इक्वल टू देखो मेरे पास क्या आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज मेरे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और n फैक्टोरियल से मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल मेरे पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो दिस इज इक्वल टू n प्लस वन, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ n प्लस वन, n प्लस वन। तो दिस इज इक्वल टू अगर मैं लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी ए एन बाई एन प्लस वन ले रहा तो अगर n टेन टू इन्फिनिटी करता हूँ तो दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस वन, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फाइव बाई इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू जीरो। अगर दिस इज इक्वल टू जीरो किस से लेस देन आ रहा वन से आ रहा तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी फाइव बाई एन प्लस वन, फाइव बाई प्लस एन प्लस वन दिस इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज लेस देन है वन से, तो बाय द डी लंबर्ट टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, है ना। तो बाय द गिवन सीरीज इज क्या आएगा मेरे पास डाइवर्जेंट आएगा, बाय डी लंबर्ट टेस्ट द रेशो सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये था मेरे पास बाय डी लंबर्ट रेशो टेस्ट।